बाइक और स्कूटर रिव्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पार्ट वन में टीवीएस जुपिटर क्लासिक का ऑयल लेवल चेक करना बताया था। आज मैं आपको इंजन ऑयल का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो आपको करना यह है कि स्कूटर को सेंटर स्टैंड पर खड़ा कर लेना है और इसका इंजन ऑयल गेज से थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है एक कागज़ की शीट पर ले लेना है। फ्रेंड्स, मेरा सजेशन आपसे ये है कि इस इंजन ऑयल को हाथ पे मत लीजिए, क्योंकि ये इंजन ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अब जो इंजन ऑयल हमने कागज़ पर लिया है, उस कागज़ को हमको हल्का सा फोल्ड कर देना है, ताकि हम ये देख पाएँ कि इस इंजन ऑयल में कोई मेटल पार्टिकल है या नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी जुपिटर अभी 300 किलोमीटर ही चली है, तो आप देख रहे हैं ये इंजन ऑयल बिल्कुल लाइट येलो कलर का है और ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो अभी आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपनी होंडा सीबी शाइन से ऑयल लेकर दिखाऊंगा। ये गाइस, ये बाइक जो है अभी साइड स्टैंड पर खड़ी हुई है, तो मैं जब इसको पहली बार ट्राई करता हूँ तो इसमें से इंजन ऑयल आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप अपना इंजन ऑयल चेक करें तो हमेशा 5-6 किलोमीटर गाड़ी को चलाएं, उसके बाद जो है उसको सेंटर स्टैंड पर खड़ा करें, फिर जो है आप उसका इंजन ऑयल लेवल सही से चेक भी कर पाएंगे और चेक भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरी होंडा साइन है, ये जो है अभी इसकी सर्विस नहीं हुई है और इसकी सर्विस होने वाली है, तो इसका इंजन ऑयल जो है ख़राब हो चुका है, मुझे इसको सर्विस के लिए देना है। तो ये अब इसका थोड़ा सा इंजन ऑयल जैसे हमने पहले कागज़ पर लिया था वैसे ही लेंगे। देख रहे हैं आप इसका इंजन ऑयल जो है कितना ब्लैक कलर का है, ये कार्बन की वजह से होता है। तो अब मैंने इंजन ऑयल कागज़ पर ले लिया है, अब इसको पहले की ही तरह फोल्ड कर लेना है ताकि हम इसको देख पाएँ कि इसमें कोई मेटल पार्टिकल है या नहीं है। गाइस, अगर आपको मेटल पार्टिकल दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी क्लच प्लेट भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि जब क्लच प्लेट ख़राब होती है तभी उसका जो है मेटल पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इंजन ऑयल है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला बिल्कुल ब्लैक कलर का इंजन ऑयल है, ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, आपको जहाँ जल्दी से जल्दी सर्विस करवा लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।